कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी का कहना है कि जो लोग हिंदू हैं वो लोग सिर्फ वायलेंस करते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और राहुल गांधी जी ने आज जो कुछ भी कहा है ना, इसके लिए उन्हें एक रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन भगवा आतंक जैसा भी कुछ होता है ये लोगों को बताते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो कि हर एक हिंदू के दिल में बसते हैं, उनको ये लोग काल्पनिक बता देते हैं, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर ये लोग सवाल उठा देते हैं। इसी पार्टी ने आर्टिकल 25 लाकर कन्वर्जन को लीगलाइज किया था कि भाई आसानी से कोई भी हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसी पार्टी ने आर्टिकल 28 के तहत हिंदुओं से उनका रिलीजियस एजुकेशन छीन लिया, वहीं पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन को आर्टिकल 30 के तहत उनका रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करवाया। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने HRCE एक्ट 1951 के तहत हिंदू के जो मंदिर होते हैं उनमें जो डोनेशन आता है, जो चढ़ावा होता है, जो भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदू कोड बिल के तहत डाइवोर्स लॉ लाया, डाउरी लॉ लाया, लेकिन वहीं पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छूने तक की इनकी हिम्मत नहीं हुई। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1975 में जबरदस्ती इमरजेंसी इम्पोज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उसमें सेकुलर शब्द ऐड करवाया, और इस चीज का खामियाजा आज भी हर एक हिंदू अपने खून के एक एक कतरे से चुका रहा है। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1991 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया और उसके तहत स्पेशल राइट्स दिए गए, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दिए गए मुस्लिम्स को, हिंदूज को क्या मिला, घंटा। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1992 में हिंदुओं ने जो अपील किया कि वो अपने मंदिर वापस लेना चाहते हैं, तो उसको फोर्सिबली रोक दिया, लेने नहीं दिया, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 40,000 मंदिर जो कि हिंदुओं के हाथ में आ सकते थे वो उनसे छीन लिए गए। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1995 में मुस्लिम्स को ये राइट दिलवाया कि भाई वो चाहे तो किसी भी जमीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, किसी भी लैंड को क्लेम कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के थ्रू, और इसके कारण पूरे इंडिया भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स हो गए वक्फ बोर्ड। अजमल कसाब अपने हाथों में कलाबा बांध कर आया था ताकि जब ये मारा जाए तब लोगों को ये लगे कि ये जो अजमल कसाब है वो कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू है जिसने कि हजारों मासूम लोगों की जान ले ली। और उसी के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कहा था कि जो 26/11 हमला हुआ वो RSS की साजिश थी और भगवा आतंक जैसा भी कुछ होता है। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो कांग्रेस ने ये ऑलमोस्ट साबित ही कर दिया था कि 26/11 जो हमला हुआ वो हिंदुओं ने किया था और भगवा आतंक जैसा भी कुछ होता है। इसी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की थी, और एक बार नहीं दो दो बार कोशिश की थी, और इस कॉम्युनल वायलेंस बिल में जो कुछ भी था अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो हमारे इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई दंगा होता तो जो इल्जाम लगता ना वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुओं के ऊपर ही लगता।